क्या आप भी बनाना चाहते हैं आपके स्तनों को बड़ा और सुडोल? तो आइए जानते हैं एक आसान घरेलू नुस्खा जिससे आप बना सकते हैं आपके स्तनों को बड़ा और सुडोल बड़े आसानी से। बने रहे हम लोगों के साथ अंत तक इस वीडियो में। स्वागत है दोस्तों आपका फिर से इस यूट्यूब के चैनल में जिसका नाम है आसान देसी नुस्खे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबा के जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम लोग जब भी कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए डालेंगे तो आप तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुँचे और आप उस वीडियो का पूरे से पूरे आनंद उठा पाए। तो आइए बढ़ते हैं आगे इस टॉपिक में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में काफ़ी महिलाएं समय पर अपने शारीरिक विकास पर ध्यान नहीं दे पाती है, जिसके वजह से उनके स्तनों का सही प्रकार से विकास नहीं हो पाता है और वो बड़े और सुडौल नहीं बन पाते हैं। काफ़ी महिलाएं इसी वजह से काफ़ी परेशान रहती है और सोचती है कि किस प्रकार से उनके स्तनों में वृद्धि हो सकती है। तो आज हम उनके इस सवाल का सही और आसान जवाब लेकर आए हैं। देखते रहिए हमारा इस वीडियो। किशोरावस्था में 8 साल की उम्र से स्तन का विकास शुरू हो जाता है और भले ही ये 14 साल की उम्र तक पूर्ण रूप से विकसित ना हो, मगर 21 वर्ष तक ये पूर्ण रूप से अपना आकार ले लेता है। इसके विकास की रफ्तार सभी लड़कियों में अलग अलग होती है और किसी के स्तन काफ़ी जल्दी विकास करती है और किसी को काफ़ी धीरे। ज़्यादातर लड़कियों में ये हेरिडिटरी भी होती है, जैसे कि हमारा बाकी अंगों का भी लेंथ या ब्रेथ हेरिडिटरी होता है। फिर भी अगर आपका कारण हेरिडिटरी ना हो और आपका स्तन छोटा है या फिर सुडोल नहीं है, तो ये सब नुस्खा आपका स्तन बड़ा और सुडोल करने में आपका काफ़ी मदद करेगा। तो आइए चलते हैं नुस्खा नंबर 1 पर। शोधों का द्वारा ये पता चला है कि मेथी के बीज इस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ाने में काफ़ी लाभकारी सिद्ध होता है, जो कि स्तन के विकास के लिए एक ज़रूरी हार्मोन है। अगर आप मेथी को पीसकर उसके पाउडर का लेप बनाकर स्तन पर लगाएंगे तो इससे बहुत जल्द लाभ मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप इस नुस्खे के साथ रोज खाने में मेथी का मात्रा थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे तो इससे आपका नुस्खा का इफेक्टिवनेस और ज़्यादा बढ़ेगा और आपका स्तन काफ़ी सुडोल और सुंदर दिखने लगेगा। आते हैं नुस्खा नंबर 2 पर। इस नुस्खे में आपको लाल दाल को रात भर पानी में फूलने के लिए रख देना है और सुबह होने पर इसको निकाल कर उसका एक पेस्ट बना लेना है। अब आपको इस बने हुए पेस्ट को अपने स्तन पर लगाना है। जब ये पेस्ट सूख जाए या 30 मिनट होने पर आप स्तन को ठंडे पानी से धो ले। पेस्ट थोड़ा गाढ़ा बनाएं ताकि वो शरीर पर फैले नहीं। इस नुस्खे से आपका बहुत जल्द लाभ मिलेगा और आपका स्तन सुडोल और बड़ा दिखेगा। उपाय नंबर तीन एक एक्सरसाइज है जो आपके पूरी बॉडी को लाभ देगा और ज़्यादा मात्रा में आपका बॉडी का पूरी हिस्सा मतलब आपके स्तन को बड़ा करने में काफ़ी ज़्यादा मदद देगा। दोस्तों ये तरीका सबसे आसान है क्योंकि इसमें आपको किसी भी सामान की आवश्यकता नहीं होती है, ये सिर्फ एक व्यायाम है। इसमें सबसे पहले आप अपने शरीर को पेट के बल लेटा लें। अब जैसा कि आपने फोटो में देखा है, आप अपने पूरे शरीर के बल को अपने हाथों पर और पैरों की उंगलियों पर कर लें। अब आप अपने शरीर को अपनी हथेली के बल से सबसे पहले ऊपर की ओर उठाएं जब तक पूरा शरीर आपका सीधा ना हो। अब आप वापस से अपने हाथों को कोहनियों को मोड़े और अपने शरीर को वापस से नीचे की ओर लेकर आए। इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने शरीर को ज़मीन पर बिल्कुल ना लेटाए या फिर अपने शरीर को नीचे गिरने ना दें। इसी प्रक्रिया को पुशअप्स का नाम दिया गया है। अब इस व्यायाम को रोज सुबह करें और कोशिश करें कि आप इसको 3 सेट्स में करें और हर सेट में कम से कम 10 पुशअप जरूर करें। यह स्तन को बड़ा और सुडोल बनाने में काफ़ी लाभ देता है। उपाय नंबर 5 स्तन का मालिश। स्तन को आकार में बड़ा तथा सुडोल बनाने के लिए जैतून का सबसे कारगर माना जाता है। इस तेल को मालिश करने से स्तन के आकार में काफ़ी जल्दी वृद्धि होती है और आप इसको जितना बड़ा बनाना चाहते हैं उतना बड़ा बना सकते हैं। अगर आपके पास जैतून की तेल उपलब्ध ना हो तो आप इसके जगह तिल का तेल, अखरोट का तेल या फिर एवोकाडो का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
मालिश करने का तरीका। सबसे पहले आप अपने हथेली पर तेल लगा लें। अब आप अपने हाथों से अपने स्तनों को काफ़ी जोर से रगड़ के इसके स्तनों में की गर्मी और ऊर्जा प्रदान करें। अब आप कुछ देर अपने स्तनों को रगड़ने के बाद अपने स्तनों को गोलाकार तरीके से मालिश करें और अपने स्तन के अंदर की ओर धकेलें। अब इस तरीके से अपने दोनों स्तनों को 15-15 मिनट तक मालिश करें। मालिश करते समय इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप दोनों स्तनों को एक ही दिशा में घुमाएं और दोनों का बराबर मात्रा में मालिश करें, नहीं तो एक स्तन आपका बड़ा दिख सकता है और एक स्तन छोटा दिख सकता है। ये मालिश दोनों एक जैसा करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि दोनों में एक जैसी वृद्धि हो। इस मालिश को करने का सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि आपका स्तन जरूर से जरूर बढ़ेगा और साथ ही साथ काफ़ी सुडौल भी होगा। तो ये था आज का स्तन वृद्धि करने का कुछ आसान और घरेलू टिप। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी लाभ देगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। और जाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर अभी तक आपने मेरे इस YouTube के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबा के जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल बजाएं। तो ये था आज का वीडियो। मिलते हैं अगले बार एक और नया इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके। तब तक के लिए धन्यवाद। खुदा हाफिज़।